लेकिन जो बात दिल की है
वो दीगर तमाम आजा में नहीं है, क्योंकि अगर दिल धड़कता है तो बाकी तमाम आजा काम करते हैं, और अगर दिल ही नहीं धड़कता तो किसी उजू का कितना ही अच्छा हो जाना उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं होता। इसलिए रूह की तरफ, जान की तरफ, दिल की तपिश और धड़कन की तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हत्ता अगर आपके किसी बदन में कोई जख्म हो, चोट आ जाए, खून भी बहने लग जाए, या फिर किसी और वजह से आंखों में दर्द हो, सर में दर्द हो, कानों में तकलीफ हो, दांतों में तकलीफ हो, आप डॉक्टर की तरफ जाते जरूर हैं, लेकिन इमरजेंसी में प्रायोरिटी किसको दी जाती है? अगर किसी के दिल की प्रॉब्लम है तो फौरन दीगर तमाम मरीजों को हटा करके कहा जाता है कि जो दिल का मरीज है इसको अहमियत दी जाए, क्योंकि अगर दिल है तो बाकी सारी चीजें हैं, अगर दिल ही नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल उसी तरह तमाम इस्लाम को आप एक जिस्म से मुजस्सम कीजिए। तसव्वुर कीजिए कि इस्लाम गोया एक जिस्म है, एक बदन है। जब जिस्म है तो आंखें भी हैं उसकी, कान भी उसके हैं, ज़बान भी उसकी है, सर भी है, और सीना भी है, हाथ भी है, पांव भी है, बाकी तमाम चीजें जो आज़ा है बदन में है उसमें भी है। मुकम्मल जिस्म इंसान की बका और दुनिया और आखिरत दोनों के लिए इस्लाम नाम का अल्लाह ने तैयार किया है, लेकिन तमाम आज़ा में अगर अहमियत पर जाए तो नमाज की बड़ी अहमियत है, रोजा भी है, फिर हज भी है, ज़कात भी है, खुम्स भी है, जिन्हें हम फ़ुरूदीन कहते हैं, और फिर जो मेन अकायद है उस दुनिया की तरफ जाए तो उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। एक बहुत बड़ा निज़ाम है इस्लाम जिसे हम तसव्वुर में लेकर आए, लेकिन तमाम मौज़ूआत, तमाम आज़ाए इस्लाम में जो मकाम विलायत का है वो किसी का नहीं है। इसलिए इसकी शनाख्त वाजिब है। अगर कोई नमाज पढ़े मारिफत के साथ पढ़े तो ज्यादा सवाब है, लेकिन मारिफत नहीं तो क्या उसको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए। तो क्या कयामत के दिन उसको पूछा जाएगा कि तुमने पूरी तरह से मारिफत इमाम इब्न अबिदीन की तरह क्यों नमाज नहीं पढ़ी? नहीं पूछा जाएगा। मुसलमान, मैंने वह पांच वक्त की नमाज पढ़ी है, मुस्तहबात को भी अंजाम नहीं दिया है, क्या मुझे नमाज ना पढ़ने के साथ से सजा मिलेगी? ज्यादा सवाब हमें नहीं मिलेगा, लेकिन वाजिब हमने अदा कर दिया, रोजा रखा, रोजे में तो आपने कुछ किया भी नहीं। तवज्जो है कि नहीं है? रोजा एक ऐसी ऐसा अमल है जिसमें कोई अमल नहीं है। रोजा करने को नहीं कहते, ना करने को कहते। नौ चीजें अगर आप अंजाम ना दें तो आपका रोजा हो गया, कोई अलग स्पेशल चीज आप नहीं कर रहे। ना करने को आपने नाम दे दिया रोजे, ठीक। आप ज़कात दे रहे हैं, अब आप उसमें बाकी चीजें मारिफत के साथ देना दे वाजिब अगर अदा कर दिया तो किस्सा तमाम है। लेकिन विलायत की जहां तक बात है, यहां पर खाली विलायत मानने से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको मारिफत हासिल करनी पड़ेगी, आपको उसके इरफान की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पहचाना तो गोया आपने कुछ भी नहीं। अजीब बात नहीं है? ये वो मौजू है कि जिस मौजू पर एक हम आयत को पेश करते हैं, जो आयत अल्हम्दुलिल्लाह शियों को अच्छी तरह से बहरहाल मालूम है, और एक हदीस पेश करते हैं। आयत क्या है? आये बल्लिम, सब जानते हैं हदीस वाली आयत, या अय्युह रसूल बल्लिम मा उनज़िल इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल, ये बात है समझने की, अगर विलायत का ऐलान नहीं हुआ तो कोई कुछ भी नहीं किया।
रसूल की सारी मेहनत जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि विलायत है तो फिर नमाज भी है, विलायत है तो रोजा भी है, विलायत है तो खुम्स भी है, ज़कात भी है, जिहाद भी है, विलायत है तो अमर बिल मारूफ भी है, नहीं है मुनकर भी है, विलायत है तो बाकी सारी चीजें हैं, अगर विलायत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही है कि जिस्म हो उसके अंदर रूह ना हो, जिस्म हो उसके अंदर जान ना हो, इतनी इंपॉर्टेंट। वही लगता फल फमा अल्लाह का ऐसा यह आयत की हदीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम समाने ही माता मीत अंदर जाए नहीं। अगर कोई मर जाए और अपने जमाने की इमाम का इरफान ना हो, मारिफत ना हो, तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। पीएचडी किया हुआ है फिर भी जाहिलियत की मौत हो, बड़ा अपने जमाने का मुफ्ती है फिर भी जाहिलियत की मौत, कोई इमाम आजम बन गया है जाहिलियत की मौत, कोई बहुत बड़ा मुफस्सिर है जाहिलियत की मौत, बहुत बड़ा स्कॉलर है जाहिलियत की मौत। भाई वो जब तकरीर करता है खड़े होकर टाई लगाकर टोपी पहनकर तो हजारों लोग उसे वाच करते हैं, मरेगा तो जाहिलियत की मौत। आप मेरे साथ चल रहे, चाहे कितना ही बड़ा 30 बार था जाहिलियत की मौत, अगर जमाने के ईमान की मारिफत ना हो, उसी आदमी को फंसाया एक हिंदू ने। इसी हदीस को सुना है, यह हदीस मुत्तफिक अलैह भी है, अहले सुन्नत और अहले तशय्यु की हां, यह हदीस मुसनद है और हमने इस हदीस का इस्तेखराज किया अहले सुन्नत के 28 मुतबर किताबों से कि यह हदीस सरकार दो आलम की है कि जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम की मारिफत ना रखे तो उसकी मौत कहिए जाहिलियत की मौत है। जाहिलियत उसकी एक स्पीच में उसने जहां यह कहा कि रसूलुल्लाह मर गए, वो नहीं है जिंदा, उनको पुकारना शिर्क है। उसी तकरीर के दौरान एक लड़की ने, हिंदू लड़की ने खड़े होकर पूछा कि हमने सुना है कि आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। तो आपका जमाने का इमाम कौन है? आप जरा देखिए, सटपटा गया और होश संभाल के कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जमाने का इमाम है। तो उस लड़की ने वहीं पर फंसा लिया कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा वो तो मर चुके हैं, वो तो मर चुके हैं, जमाने का इमाम कौन है? तो वहां पर उसकी बेबसी देखी जा सकती है, YouTube पे भी देखी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जाहिलियत की मौत है, तवज्जो है कि नहीं है, जाहिलियत की मौत है अगर मारिफत ना हो अपने जमाने की। तो इरफान विलायत का जो मौजू है वो एक हयाती और बहुत ही अहम मौजू है, इस पर हमें तवज्जो करने की जरूरत है। खुद मारिफत क्या चीज है इस पर भी बहुत सारी गुफ्तगु दरकार है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा इस मौजू से रिलेटेड बातों को आपके हवाले करें। आपसे सिर्फ यही हमेशा की तरह गुजारिश है कि तवज्जो आपकी तरफ से हो और इंशाल्लाह हम आपके वक्त को इंशाल्लाह मुस्तान जाया नहीं होने देंगे। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले शायद ही कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जो विलायत की तरह पॉपुलर है, बहुत ज्यादा जबानों पर जो लफ्ज हमारे जबानों पर आता रहता है वो विलायत है। विलायत का लफ्ज इतना ज्यादा कि विलायत ही का नारा उठाकर, नारा लगाकर लोग गुमराह होते हैं, विलायत ही की बात करके विलायत के दुश्मन है, विलायत ही का जोर लगा करके विलायत के
खूनी जानी दुश्मन है। और विलायत ही की बात करके लोग विलायत के अंदर तकसीर करते हैं, कसूर करते हैं, गलतियां करते हैं और बिला वजह दूसरों को कमजोर और ज़ईफ़ उल-ए-इत्तेक़ाद का दानते हैं। विलायत का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कभी आपने खुद लफ्ज विलायत पर तवज्जो की है कि इसको डिक्शनरी में क्या कहा जाता है, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसके कितने मानी हैं और कहां कहां इस मानी को इस्तेमाल किया गया है और किन मानी में हमें लेना चाहिए और हम किस मानी में विलायत को मानते हैं, इतना हम मौजूद है। जी हाँ, आज हम आपकी खिदमत में तमहीदी गुफ्तगू के तौर पर पेश करने जा रहे हैं। तवज्जो से सुनिएगा, विलायत वा लाम अलिफ ये और ता, कुरान मजीद में विलायत अपने पूरे खानदान समेत 300 से ज्यादा मर्तबा आया है। कितनी मर्तबा? 300 से ज्यादा मर्तबा आया है। और एक जगह पर विलाया नहीं वलाया आया है, वाव के पर जबर है, हुनालिका वलायतुन लिल्लाहिल हक, सिर्फ अल्लाह जो हक है उसके लिए वलायत है। वाव के पर जबर है, तो जबर हो तो क्या है मान, फिर ज़ेर है तो क्या माना है? वलायत वाली मुतवल्ली तौलियत औलिया वली ये सारे ही खानदान से हैं, खानदान के अफराद होते हैं ना, वैसे इस लफ्ज के ये खानदान है, खानदान के अफराद है। विलायत वली वाली औलिया मुतवली तौलियत ये सारे अल्फाज हैं, हर एक की अपनी अपनी पोजीशन है। हम आइए खुद लफ्ज विलायत के डिक्शनरी के अंदर मानी को जाने। वाव लाम ये इसकी रूट है, इसको मस्दर कहते हैं अरबी में, जहां से बाकी चीजें निकली हैं। वाव लाम ये वाली, हकीकत में इसका जो माना है वो ये कि दो चीजों में जोड़ पैदा करना, विलायत वाली से है, दो चीजों में कुर्बत पैदा करना, कनेक्ट करना, एक दूसरे को जोड़ना विलायत है। तो मालूम हुआ कि विलायत का लुग़वी माना भी एक तरफा नहीं है, दो तरफा है, कम से कम दो बाहर चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, इनमें जब रब्त पैदा हो तो विलायत का नाम इस्तेमाल होता है। इसका यह लुग़वी माना। अब इसके इस्तिलाही मानी क्या है, और इसका एक बहुत मशहूर और बहुत ही जबान जद आम लफ्ज जो विलायत ही से निकला है वो मौला है। और अच्छी बात यह कि अरबी जबान में मौला को दो तरह से लिखा जाता है, मीम वाव लाम अलिफ, और एक मीम वाव लाम ये उसके ऊपर खड़ी जबर। मौला जो मीम वाव लाम ये और खड़ी जबर के साथ है गुलाम के माने है। अच्छी बात नहीं है, लफ्ज वही है, एक आका है दूसरा गुलाम है। तवज्जो करें, इसी लफ्ज विलायत पर भी बात कर रहे हैं। मौला आका है कहते हैं, और यहां पर भी वाव लाम ये और खड़ी जबर के साथ मौला जो लिखा जाता है वो गुलाम के माने में। अब विलायत के मानी जैसे और जैसे अरबी जबान के दीगर अल्फाज के मानी मुख्तलिफ होते हैं, इसके भी मानी मुख्तलिफ हैं। कुछ लोगों ने विलायत के 90 मानी तक बताए, 90 मीनिंग्स जस्ट फॉर द वर्ड कार्ड विलाया,
और बास ने उसको रिड्यूस करके 70 बताया, बास ने उसको और रिड्यूस करके 24 को ला करके ठहराया है, और कुछ ने कहा कि नहीं, अगर राइज अल्फाज को देखा जाए और महानी उसके मुताबिक कराइन के लिहाज से छान करके नोट किया जाए तो 9 से ज्यादा नहीं है, उसके जिम्न में माने 90 तक आप ले जाए, लेकिन 9 माने जो है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन में आ सकते हैं। अब जो जिस जहन का होगा वही माना भी करेगा, एक इंसान की टैलेंट है, टैलेंट है, सलाहियत है इंसान की, फितरत तो नहीं, फितरत को चाहिए कि हमेशा अच्छी चीज की तरफ जाए। इंसान का एक हुनर है, कमाल यह है कि अपने मतलब की चीज को फौरन देख भी लेता है, जल्दी पिक भी कर लेता है। हाथ आप शॉपिंग सेंटर जाते हैं, आपके जहन में एक चीज खरीदने के लिए है, आपके जहन में पहले से वो चीज है, आप वहां जाते हैं 100 चीजें आपके अतराफ में है, आपकी निगाह बस उसी चीज पर जाएगी जिसको आप पहले से सुन के आए, और आप बाहर आ गए और आपको अगर आपकी बीवी ने कहा फलान चीज भी लानी थी तुमने नहीं देखा, आप कहते नहीं मैंने नहीं देखा, आपने वाकई नहीं देखा, चीज वहां मौजूद थी, क्यों नहीं देखा, इसे क्या आपने पहले से सोचा ही नहीं, सोचा उस चीज को कि जिसको आपने पहले से लेने का इरादा कर लिया था। तो अल्फाज खुद बदलते नहीं कुरान बदल देते, खुद बदलते नहीं कुरान, टैलेंट है इंसान के पास, टैलेंट है। अब आइए विलायत की जो मानी है, नौ मानी है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, विलायत यानी मोहब्बत, मोहब्बत दो तरफा, वही मैंने कहा ना कि जो लोग भी माना है उसको हमेशा अपने जहन में रखिए, विलायत दो चीजों के दरमियान रब्त को कहते हैं, ठीक है, मैं आराम से बोलूं इसलिए कि लाउड स्पीकर माशाल्लाह बहुत यहां का अच्छा है और अच्छी तरह से बात को मेरे पहुंचा रहा है, इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लोरी समझकर सुने लग जाए। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब आगे इसके तो कोशिश करें कि फायदा उठा कर जाए, सुन कर जाए, यकीन आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। हम विलायत के अभी रूट से शुरू कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं किसके मानी की तरफ मुतवज्जे हो। विलायत का मान मोहब्बत, मोहब्बत दो तरफा है, ये एक तरफा तो नहीं है मोहब्बत, आप दीवार से नहीं करते, चीज ऐसी है कि जो मोहब्बत के काबिल है तो करते हैं, चाहे वो बिल्ली ही सही हमारे साथ चल रहे, चाहे वो बिल्ली ही सही, आपको एक चीज चाहिए कि जो काबिल मोहब्बत हो और उसकी तरफ से कुछ ना कुछ आपका उस मोहब्बत का असर जाहिर, ठीक। दूसरा माना कहते हैं सरपरस्ती, विलायत यानी सरपरस्ती, सुपरविजन, गार्डियंस, जैसे बच्चों के गार्डियन को बुलाया जाता है स्कूलों में कि भाई यहां लिखो इसका गार्डियन कौन है, इसका सरपरस्त कौन है, बाप है तो बाप लिख देता है, दादा है तो दादा लिख देता है, चचा है तो चचा लिख देता है, है? और अगर वो यतीम बच्चा है किसी ने उसको पाल लिया है तो वो अपना गार्डियन के तौर पर नाम लिखा देता है, सरपरस्ती के माने में। विलायत नुसरत के माने में, हेल्प करना, सपोर्ट करना, मैं फलाक से विलायत रखता हूं यानी मैं फलाक की सपोर्ट करता हूं, मैं मदद करता हूं,
फला मेरा वली है, यानी मेरा मददगार है, सपोर्ट करने वाला। विलायत यानी हुकूमत, हुकूमत ये भी माना है। विलायत है मुझे हासिल, यानी मुझे हुकूमत हासिल है, मैं वली हूं यानी हाकिम हूं। ठीक है, अभी हम पानी पर ही है ना, आपको कोई ज्यादा इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही कि आप हमें कहां दर्श के छतरी में देकर बिठा के हमें ये सब सुना रहे हैं कि डिक्शनरी में क्या क्या है। ये वो काम आने की चीजें, जब मारिफत की बात शुरू होगी तो वाकई ये सारे महानी आपके जहन में होंगे, तो उसका बड़ा बाद में चल के फायदा होगा। अभी फिलहाल शायद आप जखीरा कर रहे हैं चीजों को, इकट्ठा कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई कि भाई अभी पढ़ेंगे, अभी हॉन्गकॉन्ग में जो है ट्रक डॉलर्स की जो है वो किसी ने दरवाजे खोल दिए उसके, उसके बॉस गिर गए तो डॉलर्स जो है ना बिखर गए सड़क पर, तो लोगों ने जो है अच्छे अच्छे लोगों ने मिठाई पहने हुए और सूट पहने हुए भी उतर के जो है ना वो डॉलर्स जमा करने शुरू कर दिए। तकरीबन कहते हैं कि 5 से ज्यादा मिलियन डॉलर जो है ना वो मिस हो गए, लोगों ने लूटा, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो पता ये चला कि आमतौर से चोर वो नहीं होता है कि जो पहले से चोरी करने का इरादा करता है, चोर वो होता है कि जब भी मौका मिले वो उस मौके को गनीमत समझता है। ठीक है, वो तो एक बात थी जीवन में, मैं यहां कर यहां कि आज की इस गुफ्तगू में यूं कर रहा हूं। बातों को हम फैलाने से कोशिश करते हैं कि महानी को लेकर आपके सामने रखें, इसको आप बिल्कुल वैसे कि जैसे अभी सामने डॉलर आ गया आप भी कर लें उठाकर रखें, बाद में बताएंगे कि वो क्या काम आ सकते हैं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। एक और माना है विलायत का, तवज्जो सुनेगा, विलायत का माना है देहात या वो जगह के जहां पर आप रहते हैं। अभी मैं विलायत से आया हूं, ठीक है, जो आपकी जगह नहीं है परमानेंट, आप कहीं और गए हैं, कहते मैं विलायत गया हूं, विलायत से आ रहा हूं, यानी आप जिस जगह में पैदा नहीं हुए किसी और जगह में चले गए, बाहर चले गए, फॉरेन को चले गए, आप जो है ना हो गए अजनबी किसी मुल्क में, तो आप विलायत से आ रहे हैं या विलायत को जा रहे हैं। ये लफ्ज भी इस्तेमाल होता है अरबी में भी। फिर इसी विलायत को निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी माना है। निगरानी का मतलब है कि आप ना इसके हाकिम है, ना इसके आप सरपरस्त है, ना आपसे उनके कोई दोस्ती है, बल्कि आपको उसके लिए निगरानी कार के तौर पर करार दिया गया है कि आप इसके ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्जर्व करें, इसको देखभाल करें, इसलिए आपको वली कहा गया है, इसका वली आप हाँ है, यानी आप इसकी निगरानी करते हैं, आप इसकी देखभाल करते हैं, अगरचे ना उसे मोहब्बत करते हैं, ना आप उसके मालिक है, ना सरपरस्त है, ना हाकिम है, बल्कि सिर्फ निगरानी की जिम्मेदारी आप पर दी गई है। ये अल्फाज इसके लफ्ज विलायत के माने हमने बताए। जब यही लफ्ज वाव के ऊपर जबर के साथ आ जाता है तो तमाम महानी इसके जितने भी हैं सारे के सारे समेट कर अपने दामन में ले लेता है। अजीब बात है, जेर के साथ हो तो हर एक के अलग अलग माने हो सकते हैं और वो 9 मिनिमम और मैक्सिमम 90 माने तक यही लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यही वाव अगर जबर के साथ आ जाए तो जितने भी इसके अच्छे माने सारे के सारे समेट कर अपने दामन में आ जाते हैं। और यहां पर अल्लाह फरमाता है होना बनाए हुए मासूम इमाम की है तो फिर यहां पर एक माने में इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वलाया अल्लाह के लिए है, तो जब अल्लाह के लिए है तो मोहब्बत भी उससे होनी है, सरपरस्ती भी उसकी कबूल करनी है, हुकूमत भी उसकी माननी है,
वही हमारे निगरान का आदमी है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा हाकिम है, वही हमारा सरपरस्त है, वही सारे वो जो मानी हमने बताया वो है। अब जरा तो मुझे सुनिएगा, इन तमाम मानी को इकट्ठा करके विलायत की डेफिनेशन जो उलमा ने बताई है वो ये, विलायत यानी तसर्रुफ का हक। क्या है? तसर्रुफ का हक। बहुत अल्लाह ने कायनात बनाई, किसी को शक है? बताइए, है किसी को? उसके घर में बैठे ना? नहीं है ना। सारी कायनात उसने बनाई है, चूंकि उसने बनाई है तमाम चीजों पर तसर्रुफ का हक उसे हासिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत वाज़े सब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, हमेशा की तरह कोई फलसफा मुझे ना आता है ना बयान करता हूं, सीधी सारी ज़बान जो आपकी और हमारी समझ में आए उसी ज़बान को लेके चल रहा हूं। तमाम कायनात, तमाम मखलूक, तमाम चीजों का खालिक अल्लाह है, और अल्लाह चूंकि उसने बनाया है तो उसके तसर्रुफ का हक भी उसको हासिल है, सिर्फ उसी को हासिल है। आपकी आंख गलती से भी आप ना कहें कि मेरी है, क्योंकि आपने बनाई नहीं है। अब भूले से भी ना कहिए जबान मेरी है, इसलिए कि ये आपने नहीं बनाई है। तो अब तसर्रुफ का हक आपको उसने दिया है तो आप इस्तेमाल करते हैं, और अगर ना देता तो आपको तसर्रुफ का हक भी ना होता। अब जो उसने दिया है तसर्रुफ का, तो अब उसकी मर्जी के पास भी ना कोई कुव्वत है ना कोई ताकत है ना कोई किसी के पास इख्तियार।
उसकी वजह यही है कि बात रियायत की समझ में उनको अभी तक नहीं आई है। वो समझते हैं कि अगर मौला अली है तो इसका मतलब यह है कि वो इख्तियार अल्लाह से हटकर भी रखते हैं, या फिर वो अल्लाह के कामों में शरीक हो गए हैं, हिस्सेदार हो गए हैं, भागीदार हो गए। हर किस नहीं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही की विलायत है, ज़ातन मुस्तकिलन इंडिपेंडेंटली किसी और को इख्तियार नहीं है। हाँ, अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मर्जी और उसकी मसलहत और उसकी हिकमत के मुताबिक, उसकी तदबीर के मुताबिक वो इस तसर्रुफ के इख्तियार को, इस तसर्रुफ के हक को अपने नबी या अपने वली के हवाले करता है, तो उसको शरीक बनाकर नहीं बल्कि उसको अपनी उस ताकत का मजहर बनाकर। दो बातों में क्या फर्क है, यही बात अगर समझ में आ जाए तो बात वाज़े हो जाए, यही बात समझ में आ जाए तो शियों में ना कोई गाली बने ना मुतसिर बने। अगर यही बात समझ में आ जाए तो लोग विलायत के नाम पर नमाजों को खराब ना करें। अगर यही बात समझ में आ जाए तो विलायत के नाम पर लोग दूसरों को गुमराह ना करें, लोग किसी तरह किसी गुमराही का शिकार ना हो जाए। अगर विलायत को इस मफहूम के साथ समझ में हम सब हमारी समझ में आ जाए तो वो जो सुनिएगा, विलायत का मतलब 100% अल्लाह का इख्तियार, वो तसर्रुफ का हक रखता है, इसलिए कि वही तन्हा मालिक है, अकेला मालिक है, उसकी मालिकियत में कोई शरीक नहीं है, ना फरिश्ते शरीक है, ना अंबिया शरीक है, ना औलिया शरीक है, ना कोई और शरीक है, सब उसके मोहताज, सब उसके फकीर, सब उसके नियाजमंद, कोई भी किसी भी लिहाज से मुस्तकिल इंडिपेंडेंटली अल्लाह की किसी भी सिफत में शरीक नहीं है, तवज्जो है कि नहीं है। अब जरा सुन लीजिए, अब अल्लाह कुदरत में उन्हें मजहर बना रहा है। क्या मतलब मजहर बना रहा है, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह के लिए मिसाल देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा जहन सिर्फ मादी चीजों को ही समझ सकता है इसलिए हमें मादी मिसाल देनी पड़ेगी, वरना अल्लाह सुब्हान तआला की शान में यह बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी कि हम मादी चीजों के साथ मानवीय चीजों को जोड़ें। हरगिज अल्लाह सुब्हान तआला के लिए मिसाल नहीं है, लेकिन हमारे जहन को समझने के लिए मजहर का मतलब वाज़े करने के लिए कि मजहर का क्या मतलब है, तवज्जो है कि नहीं है। आप जो कुछ भी हैं आप हैं, अगर आईने के सामने आप खड़े होते हैं तो बिल्कुल आप आईने पर आ जाते हैं। आईना क्या है, कुछ भी नहीं है, समझने में क्या है, आईना क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दफा आप सामने आ गए हैं तो सारी आपकी खूबी आईने में आ गई है, वो आईने में आप आ गए हैं, आप हट जाएंगे आईना कुछ भी नहीं है, आप सामने आएंगे आईने में सब कुछ आप है, यहां तक कि आप हिल रहे तो वो भी हिल रहा है, आप बोल रहे तो वो भी बोल रहा है, आपकी जलालत है पर सारी चीजें बराबर उस आईने के ऊपर जलवागर हो गई है, आप उस आईने में जलवागर है, हकीकत में आईना कुछ भी नहीं है। तो उस आईने को कहते हैं आपका मजहर, चल रहे कि नहीं, अब वो आईना आपकी किसी भी काम में शरीक नहीं है, अब आईने के बगैर भी सब कुछ है, आईने के बगैर भी सब कुछ है, आईने के आप मोहताज भी नहीं है, आईना आपकी जिंदगी में शरीक भी नहीं है, अपने इख्तियार से आते हैं ताकि आपका मजहर वो बन जाए। तो ये जो हस्तियां हैं, इन हस्तियों को अल्लाह ने अपनी सिफात का मजहर बनाया है, यानी अगर कुदरत देखना हो तो अली के हाथ में देखो, ताकत देखना हो तो अली के उस कमाल में देखो, अगर मेरी इख्तियार का तसल्लुफ देखना है तो या मेरे नबी में देखो या मेरे अली। वाकई दो फिक्र विलायत को लेकर पैदा हो गई है,
एक फिक्र ये कि नहीं जी अल्लाह ही वली है और विलायत तकवीनी किसी को भी हासिल नहीं है, न नबियों को न इमामों को, वो विलायत तकवीनी के मुकम्मल इनकारी हो गए। आगे चल के कहते जब इमामों को विलायत तकवीनी नहीं है तो फकीर को भी कोई विलायत नहीं है, और अगर है तो हर फकीर को है, स्पेशल किसी एक के लिए नहीं। ये सोच इनकार की वजह क्या है? वजह मैंने बताया कि वो जो मफहूम है विलायत का वाकई अल्लाह सुब्हानहु तआला को हासिल है, किसी और को नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु तआला अपने इस तसर्रुफ के हक का मजहर भी बनाता है, ये वो बात समझने से कासिर है, इसलिए वो इनकार कर देते हैं। कुछ लोगों को मजहर का मफहूम समझ में नहीं आया, कहते अली को भी विलायत हासिल है, इसका मतलब है कि अली भी राजिक है, अली भी इस्तक्सिम करते हैं, अली अल्लाह के कामों में शरीक हो गए, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट हम अली से भी बात करेंगे और खुदा को बिल्कुल भूल ही जाएंगे या नहीं भी मानेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि वो भी तसर्रुफ का हक रखते हैं। ये गुमराही गुलू की तरफ गई और वो जो मफहूम उन्होंने निकाला तकसीम की तरफ कदम बढ़ाया, वाकई हमारे यहां मुकसिर भी पैदा हो गए और गाली भी। इन दोनों का इलाज यह है कि आप विलायत को समझाएं, विलायत है सब कुछ अल्लाह की, उसमें कोई शरीक नहीं है, मगर अल्लाह चाहे तो जिसको भी अपने इस तसर्रुफ के हक का मजहर बना सकता है, अल्लाह किसी के जरिए से उस तसर्रुफ का हक हासिल अपना जो है जाहिर कर सकता है। वाज़े हो गई बात? छोटी सी मिसाल, अगर तवज्जो सुनिए इस मिसाल को, अगर आपने समझ लिया तो मैं समझूंगा कि विलायत तकवीनी का किसी हद तक मफहूम वाज़े हुआ। अब विलायत की बात है जो बाद में हम करने जा रहे हैं वो आसानी के साथ हर कोई भी करेगा, तवज्जो सुनिएगा। अगर कोई किसी को मारे, मारे तो दूर की बात है, आपने किसी कार को डैमेज किया, आप मुजरिम है कि नहीं है? कि नहीं होता है? तब की है बात, किसी को तो रहे नहीं, किसी की कार को डैमेज किया आपने, आप मुजरिम है, लेकिन आपने खुद किसी मकसद के तहत उसको डैमेज किया, आप मुजरिम है? मुजरिम नहीं, अपनी कार, आपने अपनी कार को किसी खास मकसद के लिए डैमेज किया, आप मुजरिम नहीं है। आपको पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी कि तुमने अपनी कार को क्यों तोड़ा, दूसरों की कार तोड़ते चल रहे मेरे साहब के नहीं चल रहे, ये कार की बात है। आपने किसी को तवज्जो सुनेगा, किसी को कत्ल कर दिया तो आप कातिल हो गए, एक्सट्रीमली मिसाल दे रहा हूं, आप बन गए कातिल और आपकी सजा यह कि आपको कत्ल कर दिया जाए, इस्लाम में जो सजा है अल-क़त्लु बिल-क़त्ल, ठीक है। तो हज़रत इज़राइल का क्या, रोजाना ना जाने कितने लोगों को वो कत्ल करते, वो कैसे किसी की जान ले सकते हैं? मैं अगर किसी की जान लूं तो कातिल हूं, मुजरिम हूं, क्रिमिनल हूं, किलर हूं, मर्डरर हूं, और अगर इज़राइल जान ले एक नहीं सैकड़ों हजारों लाखों तो वो ना मर्डरर है ना किलर है ना क्रिमिनल है बल्कि वो अलैहिस्सलाम भी है। खुदा रा समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, इस मिसाल को समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, पूरी तवज्जो से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर आपने कत्ल किया तो आप किलर हैं, मर्डरर हैं, लेकिन आपके बच्चों को मारने आगे इज़राइल, एक बस्ती को उजाड़ने हजरत इज़राइल, तो वो किलर नहीं हुए बल्कि अलैहिस्सलाम हुए। एक मुकद्दस अल्लाह का फरिश्ता है, अलैहिस्सलाम के नाम के साथ लगता है, इतना फर्क क्यों? फर्क यह है कि
जिसे चाहे दे सकते हैं। फरिश्ते को दिया, उसके कोई उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक। इसी तरह जो बलि खुदा है वो भी तसरुफ करता है अल्लाह की इजाजत से, तो उस पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। अल्लाह क्यों तसरुफ कर सकता, मैंने बता दिया, क्योंकि वो खुद मालिक है, मालिक को इख्तियार है। अब मालिक अगर किसी को भी इख्तियार दे शरीक बगैर किए, बल्कि उस इख्तियार का मजहर बनाकर, इसमें भी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए, सबसे पहला वली कौन है? कहिए ना, अल्लाह के घर में अल्लाह का नाम भी उसी तरह लीजिए। कभी कभी हम मौला का नाम लेते हैं तो क्या बात वाज़ह होनी चाहिए कि कहां कहां उन्होंने तसर्रुफ कहा।
इस्तेमाल किया है और फिर इसके फायदे क्या है, फिर उसके बाद हम आएंगे कि इस विलायत का ताल्लुक हमारे साथ क्या है, और अगर हम कहते हैं कि हम विलायत को मानते हैं तो इसका क्या मफहूम है। अगर ये बात वाज़ह हो जाएगी तो इंशाल्लाह वाकईन हमारे दरमियान कभी भी कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। ये एक चैलेंज से मैं कह रहा हूं, दुनिया लड़ती रहे इसलिए कि उनके पास विलायत का निजाम नहीं है, और हम नहीं लड़ सकते इसलिए कि निजाम में विलायत मौजूद है, और इसके बावजूद हम लड़ते हैं, इसका मतलब हम विलायत निजाम विलायत के निजाम को ना समझते हैं ना मानते हैं। अगर समझते हैं तो मानते नहीं है, और अगर मानते हैं तो समझते हैं, तभी जाके इख्तलाफ, वरना ये तेरा मेरा है ही नहीं। चलना मिर्जा, ये तेरा मेरा है ही नहीं, मजलिस का भी कोई बानी नहीं है, हम कहते फला बानी, बानी नहीं है, हमने अपनी तरफ से गलत सोच के बना लिया है किसी को बानी, या किसी ने अपने आप को बानी समझ लिया। बानी तो सिर्फ ज़रियत और ज़हनत में मजलिस की, हम खातिब हो सकते हैं बानी नहीं हो सकते, हम मुंतजिम हो सकते हैं बानी नहीं हो सकते, हम मुहतमिम हो सकते हैं बानी नहीं हो सकते। लेकिन ये गलत फहमी कब आई है, निजामे विलायत को नहीं समझा है, ये गलत फहमी आ गई कि शायद हम भी कुछ हैं। जब हम कुछ नहीं है तो हमें किसी चीज की भी अपनी तरफ ओनरशिप का तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए, ओनरशिप का तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। विलायत का मफहूम इंशाल्लाह समझ में आएगा तो इंशाल्लाह इसका हमारे अपनी अमली जिंदगी पर बहुत ही अहम असर होगा। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला इस वक्त हुए जमीन पर अल्लाह की हुज्जत है, विलायत मुतलका के मालिक है, अल्लाह ने उन्हीं के वजूद मुबारक से दुनिया को अब तक चला रखा है। मुश्रिकीन भी अगर तरक्की कर रहे हैं तो इमाम के वजूद की बरकत से, फिरौनियत करने वाले भी इमाम के वजूद की मुबारक से बरकत से वो कर रहे हैं, जुल्म करने वाले भी इमाम के वजूद से कर रहे हैं। अगर इमाम का वजूद ना हो तो किसी को कुछ भी ना मिले। एक जुमला मैंने किसी मजलिस में कहा था कि कर्बला के मैदान में दुश्मनों ने पानी बंद किया ना, इमाम हुसैन विलायत मुतलका के मालिक थे, वो चाहते तो उन पर हवा बंद कर देते। तसर्रुफ का हक था उन्हें हासिल, लेकिन तसर्रुफ का हक गलत इस्तेमाल नहीं होता है, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक होता है। हवा बंद कर देते, इमाम चाहे इस वक्त कोई भी काफिर सुबह पहले उठे ही ना बिस्तर से, ऐसे ही सब कुछ आपके इख्तियार में आ जाए, ऐसे कुछ ना लड़ाई हो ना झगड़ा ना कुछ हो, लेकिन तसर्रुफ का हक अल्लाह ने जो दिया है वो मशीयत के मुताबिक कर दे, अपने लिए कुछ नहीं करते। अपने लिए वो इस वक्त कहाँ है हमें नहीं मालूम, शबे जुमा है ये हम जानते हैं, लेकिन जमाने का इमाम शबे जुमा जन्नतुल बाकी में अपनी जद्दा पर आंसू बहा रहा है या फिर नजफ में अपने दादा को फुर्सत दे रहा है, हमें नहीं मालूम कि कर्बला में अपने जद्द मजनू पर गिरिया कर रहा है या फिर कहीं और, कुछ मोमिन इकट्ठा हुए हैं शबे जुमा, गिर
غریب و غریب یتیمی عہد کرتی ہے، پروردگار میں تجھ سے عہد کرتی ہوں، میرے سر سے سر تاج اٹھ گیا، اب میں کسی وقت بھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، بس زحمت روا کر رہا ہوں، اب میں سائے میں کبھی نہیں بیٹھوں گی، سائے سے جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے نا، اس ہوا کو میں محسوس بھی نہیں کروں گی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھا کروں گی۔ عظیم زیارت سے مشرف فرما، امام کی عالم حکومت میں ہم سب کو شریک کر سدار فرما، ہمارے بڑوں میں مرمان کی مغفرت فرما، ہمارے دعاؤں کا بھی بارگاہ میں مستجاب فرما، ماتا جب سائے